हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो ये आज हमारे 2022 का आखिरी ब्लॉग है और हमारे सीनू को देखो, सीनू कितना बस यही 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 ये भी आखिरी ब्लॉग में आने को फुल बेताब है डार्लिंग। या 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 बस 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 बाबू सो रहा है, कीप साइलेंस बस 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 तू के पास। तो भाई अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ सामान वामान लेके आते हैं सेलिब्रेशन का, इसके लिए ये भी जाने को तैयार है। फुल जाएगा क्या मेरे पास? पहला न्यू ईयर है और मेरी डार्लिंग का पहला न्यू ईयर है। मैं अपनी डार्लिंग से मिलवाता हूँ आपको, मीट माई जिंदगी। हमारे बाबू का भी पहला न्यू ईयर है, डार्लिंग सो रही है अभी। और बेबी कैसे लग रहे हो आप? मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी शक्ल देख के नहीं पता लग रहा। फुल टू फंटास, मेरी हालत खराब हो रखी है। पूरी रात मेरा लड़का जगाता है, पूरे दिन ये चार्जिंग प्लग मोड लगा के रखता है, सोता है ये, खास करके शाम को। शाम को 4-5 बजे के बाद ये 3-4 घंटे। और ये हमारी आंखें देखो, मेरी ये डार्क सर्कल आ गए हैं। इन बेचारे को मैं रोज सुबह 4:30, 4:30, 5 बजे फोन कर देती हूँ। कल तो 12 बजे, कल तो जल्दी 2 बजे फोन आ गया था, रात के 2 बजे फोन कर दिया बिकॉज मेरी हालत कल बहुत खराब हो रही थी, मेरे से बैठा नहीं जाता। कुछ नहीं, थोड़े दिन की बात हो रहा है, फिर अपन मस्त सोएगा, मस्त खाएगा, मस्त पिएगा, एक दिन दारू भी पिएगा। ये बेबी मैं कह रहा हूँ गाना गाएगा, मेरी बीबी मैं के गई। और फिर फोन मत करना जल्दी। नहीं, फिर मैं 2 दिन बाद ये ना मेरे मायके जाने के बाद से इतने एक्साइटेड है, कह रहे हैं कि महीना 2 महीना रहकर आई हो, सर्दी काट के आई हो मम्मी के, और मुझे पता है सिर्फ 2 दिन। yes. सिर्फ 2 दिन बाद मुझे फोन आने लग जाएंगे कि कब वापस आ रही है। पर मेरे लल्ला का सारे लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मतलब मेरे पापा तो ऐसे हो रखे हैं बेचारे, वीडियो कॉल करना सीख रहे हैं आजकल सिर्फ इससे बात करने के लिए, इतने एक्साइटेड है। तो इसको मैं लेके जाऊंगी और अपन जल्दी वापस नहीं आएंगे, होली करके वापस आएंगे, है ना? अभी आए, सर्दी काटनी है बेबी मेरे पापा। हाँ तो सर्दी सर्दी काट लियो ना, तो सर्दी होली तक रहती है, वरना वो जब टी शर्ट तुमने बाथरूम में डाले धुलने, वो मुझे धोनी पड़ती है यहाँ पे। कल उसको मशीन में लगा देंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ भैया, थोड़ा सा सामान लेके आता हूँ बाबू का पहला न्यू ईयर, हम लोग अच्छा। तो उसके लिए हम कटिंग के लिए कुछ लेके आते हैं और फिर कटिंग करेंगे और उसको खाऊंगा सिर्फ मैं, क्योंकि ये भी डाइट पे है और सीनू भी डाइट पे है और मेरा बेबी ऑल्सो डाइट पे है फिलहाल, तो सब कुछ मैं ही खा लूंगा, थोड़ा बहुत माँ भी खा लेगी। सीनू कर दो, सीनू साथ में जा रहा है केक लेने। और सीनू साथ में जा रहा है, देखो इसको देखो, दिखाऊं क्या बात होगी भाई? अरे 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 बस क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहा है इतना? देख नाखून मार रहा कभी ना, बाबू डर रहा है, ये सो रहा है थोड़ी देर। जाओ केक लेकर आओ बाजार से, चलो 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 चलो। हाँ चल 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 चल, अभी कर रहा हूँ चल। अरे मेरी गाड़ी की चाबी होगी बेटा, लेके आइयो पकड़ा दी, बोलो एक बार नहीं पर ही है। कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है, रुको कहाँ जाना है आपको? हटो गेट खोलूँ, हट तो सही, गेट तो खोलने दे, ये सब गेट भी नहीं खोलने दे रहा। चल ये देखो ट्रेन, ट्रेन गई ट्रेन ट्रेन। चलो चल रहे, आ रहे आ रहे, ताला लगा दो एक बार, आ रहा हूँ जा। हो गया भाई मेरा केक हो गया बस, आज तो आटे लोग ज्यादा ही हैं। अभी सारे चले जाएंगे थोड़ी देर में, है हरौल भाई 10 मिनट में सारे केक गायब, सारे केक गायब आधे घंटे में। हैप्पी न्यू ईयर, तो ये आपके इस साल का आखिरी दिन है, केक बेच रहे जितना बेचना है। सोने की रेट बेचेंगे भाई, सोने की रेट बेचोगे, चलो भगवान ये भी दुआ आपकी पूरी करे। मेरा कौन सा है आपका बटर स्कॉच? अच्छा अच्छा, सबसे स्पेशल केक चाबी का है। चलो बढ़िया, स्पेशल क्या है, बहुत सारा रख रहे हैं तो वीडियो में इस पे हैप्पी न्यू ईयर लिखो भाई पहले तो, वो टैग आएगा हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा टैग आएगा, बीच में लगा दे। चलो वो भी ठीक है, आ जाए करण की दुकान पे भाई, वैसे कुछ लोग तो जाने लग गए हैं। है जी बनैया, हाँ, अच्छा दिया करो, कुछ जिम पार्टनर आ रहे हैं भाई के। अच्छे अच्छे, कुछ श्याम प्रेमी आ रहे हैं भाई के, श्याम प्रेमी भी आ रहे हैं, अच्छी बात है भाई, आएंगे धीरे धीरे करके, आएंगे आएंगे। अपने लिए गुलाब जामुन, हॉट पॉट, ओ माय गॉड लुक एट दैट, क्या मस्त लग रहा है देखने में, गाजर का हलवा करिए भाई। हेलो
तो जी ये केक वगैरह लेने गए थे, ले आए हैं, और अब ये देखो क्या हो रहा है। ये इनका न्यू ईयर शुरू होने से पहले न्यू ईयर शुरू हो गया। वो हमारे यहाँ एक दुकान है ना मिठाई वाले की, वो उनके फूफा की दुकान है, उसका ना अलग से किराया निकालने की जिम्मेदारी इन पे। ओ देखो देखो देख रहे हैं बाबू, लल्ला देख रहे हैं तुम्हें बाबू। भैया कह रहा पापा मैं गुलाब जामुन नहीं खा सकता, तो आप अकेले अकेले खा रहे हो। बड़े गरम नहीं है साले, गरम नहीं करे अच्छे से, तो आप कर लो ना अपन में गरम। देख हाथ, हाथ देखा इसने, हाथ करा गुलाब जामुन के लिए। भैया आप गुलाब जामुन खाओगे? पकड़ लिया, छोड़ 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 छोड़। हमारी जिंदगी की खुशी है हमारा लल्ला, खा लो। चलो तुम फिर नीचे चल के मस्ती करेंगे बेबी, हैं? यो 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 यो, अगले साल से बाहर मनाया करेंगे लल्ला न्यू ईयर, एंजॉय करेंगे, हु करके एंजॉय करेंगे बेबी। इतनी एक साल में बाबू चलने लग जाएगा। हाँ थोड़ा थोड़ा बस, फिर बाहर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में चला करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मनाली चलेंगे ना, इस टाइम ठंड होगी न्यू ईयर पे तो बहुत है। चलेंगे? नहीं नहीं बहुत ठंड होती है, चुप रहो। भैया मैं ऊपर से नीचे आया, यहाँ देखो शिव जी बैठे हैं। शिव जी ये देखो, ये देखो, ये शिव जी की चुटिया हमारी, और मेम साहब को देख रहे हो ऊपर कैसे बैठती है और नीचे आती देख रहे हो। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। कभी कभी तो तैयार होना चाहिए बेबी, जब से डिलीवरी हुई है एकदम ऐसे 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 घूम रही हूँ मैं। उधर वो बेबी, उधर बेबी रहा, इधर ये बेबी, इधर ये तीसरी बेबी। इतना सुंदर बच्चे पैदा करा मैंने, मेरा सारा ग्लो चला गया, उसके बाद तैयार होना भूल गया भाई। बच्चे से मैचिंग तो होनी चाहिए। अब ये देखो लग रहे ना मम्मा बेटा शेम शेम। बस अब बाबू सो रहा है, ये देखे है ओ जो बाबा बाबा। नहीं नहीं नहीं, मैं बाबा, मेरे बाबा का पहला न्यू ईयर है 2023। हाँ बाबा हमारे, हम इस बाबा का चौथा न्यू ईयर है। एक बाबू हमारे भी है नहीं, वो 10 तारीख को आएंगे। नाना जी कब आओगे, जल्दी आ जाओ वापस, तब तक हमने इसका मिसिंग अलॉट काना रख दिया साथ साथ में, याद कर करके उनको, इसी को सारे काना बोलते हैं अब। तो भाई तो दोस्तों 2022 कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा, और ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। हाँ बस थोड़ी बहुत देर लगी, कुछ मिनट का देरी है। तो हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं हर उस इंसान को जिसने 2022 में हमारा सपोर्ट करा, क्योंकि बहुत अमेजिंग ईयर रहा हमारा। तो थैंक यू है सभी को, क्योंकि बहुत इस साल, मतलब ये साल इतना अमेजिंग था हमारा, सब कुछ हमें भगवान ने दिया। रोते खेलते ये साल बीत गया, कुछ चीज अच्छी हुई कुछ बुरी हुई, लेकिन अच्छा रहा जो भी रहा। लेकिन जो सबसे अच्छा था वो आप लोग जानते हो, दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट भगवान से मांगी सबसे बड़ी दुआ हमें मिल गई, ये प्यारा सा घर हमें इस साल मिला। ये टाइले तो लगवाई नहीं हमने 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के 4 बजे तक टाइल लग रही थी, नाइट लगाई 14 अगस्त को लग रही थी, 15 अगस्त पतंग उड़ानी सोची थी हमने, 15 अगस्त हो गई थी ना, सुबह 4 बज गए थे। बेचारी लेबर जो भैया थे हमारे, मिस्त्री भैया, वो भी छुट्टी मनाने के चक्कर में सुबह 4 बजे तक डबल ट्रिपल शिफ्ट लगा के टाइले लगा के गए। और हमारी प्यारी सी, हमारी धन्नो आ गई गाड़ी हमारी, जिसको लेने के लिए शीनू साथ में गया था हमारे। और हाँ, और फर्स्ट डे स्क्रैच गाड़ी के ऊपर, ये मत सोचना कि इनका कोई जैकपॉट वैकपॉट लग गया, लोन पे है दोनों चीजें, तो प्लीज थू नजर मत लगाना, लोन पे है दोनों चीजें। पर 2023 में और भी अमेजिंग चीजें करनी है हमें। तो अब मैं हर उस इंसान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने हमारी हेल्प करी, हमारा सपोर्ट करा, स्पेशली फॉर द प्रेगनेंसी, जिसमें कि सबसे पहला थैंक यू हमारे डॉक्टर्स को है, बहुत अमेजिंग हॉस्पिटल, बहुत अमेजिंग स्टाफ था हमारा, तो उनको से नर्स उनके समोसे बाकी हैं अभी। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो समोसे खा सकते हो कभी भी। हाँ वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, डॉक्टर्स तो अच्छे थे ही थे। उसके बाद थैंक यू हमारी फैमिली को, मेरी फैमिली को, मेरी बहनों को थैंक यू बोल लो, छोड़ो ना क्या है, बहनों को, एक को बोल तो दे। नहीं ऐसे तो फिर तीनों को बोलना चाहिए ना, तन्वी शिवानी काकू, तीनों को, नहीं काकू को बोल दे और तन्नू को बोल दे, को बोल देना शिवानी तारी भैंस को लियो ना, तोड़ दूंगी। तो थैंक यू तीनों को, तुम तीनों ने आके बहुत दिन संभाला, और भैया तन्नू तेरा तो स्पेशली थैंक्स, तू इतने दिन में कभी रहने नहीं आई, लेकिन जब जरूरत थी, स्टार्टिंग थी सीरियसली, जब जरूरत थी, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो सबसे पहले तू आई थी, तो बहुत सारा लव तेरे को, आई लव यू बेटा। और आई लव यू बेटा बोला तो एक बेटा मेरे आई लव यू बेटा, थैंक यू मम्मा को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, और थैंक यू मम्मी पापा अमन, अमन तो मेरा पागल ही हो गया था, दीदी को ये खिला दो, दीदी को वो खिला दो, और अमन ड्राई फ्रूट खाने से बच्चा गोरा नहीं होता। वो मम्मी से लड़ता था कि दीदी को ड्राई फ्रूट खिलवाओ ताकि ना बच्चा गोरा हो जाए। और थैंक यू
सरिता को, सरिता रहने आई, सरिता ने भी हेल्प करी हमें, थैंक यू अमित को, अमित दो पेपरों में, अमित तेरा भी दो पेपर जितना थैंक यू, तू दो पेपरों में, तीन, दो तीन पेपरों में तू आया था बाबू, थैंक यू तूने मेरे पेपर सधवा दिए। और सबसे बड़ा थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू हमारी पोपली की मम्मी को और पोपली को पोपली तो बेटी है, पोपली तो बेटी है, पोपली तो वो तो जान है मेरी, वो तो जान है मेरी, तो आप तो पता नहीं कितने दिन में आएंगे रहने। तो स्पेशली थैंक यू पूजा यार बहन, मतलब भगवान तुझे हर जन्म में मेरी ननद बनाए, और हर जन्म में तू मुझसे थोड़ा थोड़ा लड़ती रहे, क्योंकि अभी भी लड़ती है, लड़ती पता है किसके लिए, सिर्फ इनके लिए, इनको अगर मैंने एक शब्द बोल दिया तो तीर भाला लेके मेरे ऊपर बस वो चढ़ी जाती है भाई, पलटा लेके नहीं चढ़ती मैं बड़ी रह गई ना, नहीं तो मेरे को पीट भी देती, वो कभी नहीं लड़ती मुझसे, किसी चीज पे आर्गुमेंट नहीं होते, इतनी केयर करती है, इतना प्यार करती है सब, लेकिन जैसे मैंने इनको एक शब्द अगर बोल दिया भाई साहब लड़ंकी हो जाती है एक नंबर की, भाव कितना खाते हैं ये, इनकी मेरी टीम में 10 लोग, इनकी टीम में अकेली पूजा, क्योंकि सरिता तो कुछ बोलती नहीं है, और चुप रहती है बिल्कुल, तो इसीलिए सरिता वो पूजा बेचारी गाय है ना, सींग मारेगी ना जिस दिन हवा निकल जाएगी सबकी। तो थैंक यू हमारे भगवान जी को जिन्होंने हमें ये प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी, हमारा बेटा दिया हमको, बहुत ज्यादा मतलब हमें पता है हमने क्या स्ट्रगल करा, क्या नहीं बताने की जरूरत किसी को नहीं है, पर भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया। और बेबी तुम मुझे थैंक यू बोलो, हाथ पुत्र को बाबा कैमरा हिल रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, बेबी तुम मुझे थैंक यू बोलो, मैंने तुम्हें पापा, पहले मुझे थैंक यू बोल, चल मैं सबको थैंक यू बोल रही है, मैं यहां पे बावड़ा बैठा हूं, क्या दाढ़ी बढ़ गई मेरी, बाल सफेद हो गए मेरे सर पे से, ऐसे बाल उड़ने लग गए धीरे धीरे, हाँ ये टकले हो गए इधर से, अभी इंजेक्शन लगाऊंगा, मैंने देखा है इस पे लग जाएंगे थोड़े से में हो जाएगा, अभी वो राजवीर सिसोदिया सर लगवा के आए तो हमें थोड़े से लगवा लेंगे, तुम्हें कोई थैंक यू नहीं है, कोई थैंक यू नहीं, कोई बात नहीं भाई, मैं खुद को थैंक यू बोलूंगा कि मैंने सबके लिए इतना किया, लेकिन मेरे को कोई थैंक यू नहीं बोलता, और जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया उन्हें भी थैंक यू, उन्हें भी थैंक यू, उन्हें भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमें पता है हम इतने स्ट्रांग थे कि हम कर लेते, यो बेबी, और थैंक यू मेरे जानी का मेरी जिंदगी में आने के लिए, और पिछले 15 दिन से मुझे रोत रोत भर जगाने के लिए, और मुझे भी मेरे देखो आंखों के जो पहले वैसे डार्क कलर था, मेरे आंखों में चार सर्कल और आ गए सारे, और ज्यादा काले लग रहे हैं, ऊपर से मेरे को नींद नहीं मिलती, तो ये मेरी लुगाई है, कभी 4 बजे फोन करेगी, कभी 5 बजे, कभी कल तो 2 बजे ही कर दिया, ऐसा आदमी देखा है बीवी को ऊपर छोड़ के नीचे हॉल में सोते हैं, क्या करें भाई सोना पड़ता है मजबूरी, मैं ईमानदारी से रात भर इसको लेती हूँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन जब मेरी लिमिट पार हो जाती है तो मैं फोन मिला देती हूँ, ऊपर आके बापू से, और जैसे ही आते हैं मैं विद इन सेकंड सो जाती हूँ, क्या करूँ यार, कभी मैं वैसे मैं 4-5 बजे बुलाती हूँ, देखो इसको देखो इसको देखो अभी सो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा चार्ज हो जाएगा, अभी सोएगा ही नहीं, बैटरी चार्ज हो रही है उसकी, फालतू मत बोलो, चलो दोस्तों 12 बजने को आ गए, और हम लोग अपना केक निकालते हैं, केक लाए हम, केक देखना है, और मैं थोड़ा सा अभी गाने वाने बजा के तब तक डांस वांस मस्ती वस्ती करेंगे, हाँ वो नहीं दिखाएंगे हम आपको, और फिर आपको अपना केक वेक दिखाते हैं जल्दी से, चलो। तो भैया ये हमारा सुंदर सा केक, इट्स बटर स्कॉच, क्योंकि गोलू को बहुत फेवरेट है, तो गोलू ये गोला दिख रहा है, गोले की नजर देखो, पीछे हो जाओ सर, बहुत ही अच्छा लगता है, पीछे हो जाओ, मेरे सेम टू सेम स्किन कलर का है ये गोल्डन, मैं गोल्डन, बैठ जाओ बस तुम, जाओ बैठ जाओ, ज्यादा हो रहा है, डब्बे के पास गए केक के, नो हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई ये हमारे बाबू का फर्स्ट ईयर है, और ये हमारे बाबू के लिए टुक टुक टुक, और आज पापा का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा, आज पहली बार मैं आपके साथ नहीं हूँ बर्थडे पे, क्योंकि आपको पता है, पर आपका सबसे बड़ा गिफ्ट लेके मैं बहुत जल्दी घर आऊंगी, यस जल्दी जल्दी, और उसके बाद हम लोग बहुत सारी पार्टी करेंगे, काना थोड़ी सी तो जग जाओ भैया, बैटरी चार्ज हो गई आपकी, तो टेडी सो टेडी बैठे भैया, काटे मोमबत्ती बुझा के बैठे हम, अभी रुको अभी खोल देगा मैं इसको, बेबी ये फूट रहा है, अरे यार जीवन भैया तुमने क्या दे दिया फिर, ये नाइट चैन का लेकर आया दादा, हर बार मेरे को सुनने में मजा आता है क्या, तुम हर बार सुनाते हो, रेडी फूटना चाहिए, 1, 2, 3 फूटा फूटा
छोटा बूढ़ा नौ बस 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 अच्छा था धमाका बढ़िया था सिर्फ नो 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 बस नो 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 सांप देवी कुछ नहीं हुआ बाबू डर गया उसने लगा दिया उसने कंफर्टेबल रहना चाहिए मेरा बच्चा हैप्पी न्यू ईयर भगवान आप सबको आपके परिवार को 2023 की खूब 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 सारी बधाई हो और आप सबको खुश रखे खाओ ऐसी देगी मैं दुर्गा से देगा फिर पिछली बार केक आया मैंने उंगली से भी नहीं खाया सीरियसली मजेदार केक है जीवन भी एक नंबर केक अच्छा था बस ये थोड़ा सा ताम था थोड़ा सा उड़ उड़ था लेकिन फूटा मस्त मस्त फूटा मस्त तो इसको तो अब हम आपसे मिलते हैं कल सुबह क्योंकि बहुत ज्यादा नींद आ रही है और मेरा बेबी तो बहुत ज्यादा सो ही रहा है और इसका कोई भरोसा नहीं कितनी देर सो रहा है हो सकता है 10 मिनट बाद हमें नाइट लगानी पड़ जाए तो अभी हम जाके फटाफट सोएंगे और आप सबको न्यू ईयर बहुत अच्छे अच्छे से मतलब खुशियां लेकर आए आपकी जिंदगी में जैसे 2022 खुशियों से बीता वैसे 2023 बीते कोरोना बिल्कुल ना आए लॉकडाउन बिल्कुल ना लगे यार अभी तो नौकरी शुरू हुई है काम धंधा करे सब कमाए खाए और कोशिश करिएगा कि 2023 में आप लोग भी किसी की लाइफ में खुशियां लेकर आए कभी किसी का बुरा ना करें और इन छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत ज्यादा प्यार करें हम आपसे मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ क्योंकि कल का दिन बहुत बहुत कल मेरे को पार्टी में जाना है हमें घर पे छोड़ के हमें पार्टी में जाना है पति छोड़ के क्या छोटे से बच्चे घर पे मैं जा नहीं सकती मैं अपने बच्चे के साथ घर पे रहूंगी कल पर एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023 की बहुत बहुत बधाई हो बाय 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 बाय